नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अब खजुराहो एयरपोर्ट को भी महाराजा छत्रसाल के नाम से जाना जाएगा। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये उनसे सवाल पूछा गया कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड स्मृति शोध संस्थान द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराज छत्रसाल के नाम पर होना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि इस विधानसभा के इसी सत्र में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये नियम बना दिया गया है कि पहले नाम परिवर्तन के लिए विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए और उसके बाद ही केंद्र सरकार इस विषय में निर्णय देगी। इस बात को उन्होंने कहा, इस मामले में जब हमने महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला से बात की तो उनका भी यही कहना था कि पिछले 3 सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा है और शोध संस्थान के प्रयासों से ही रेलवे स्टेशन का नाम भी महाराज छत्रसाल के नाम पर पड़ा और अब एयरपोर्ट का नाम भी महाराज छत्रसाल के नाम पर पड़ेगा और एयरपोर्ट भी उनके ही नाम से देश और विदेश में जाना जाएगा। जैसा कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल का नाम पूरे छतरपुर ज़िले में और पूरे बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जाना जाए, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को महाराज छत्रसाल के नाम पर जो खजुराहो में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका नामकरण महाराज छत्रसाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामकरण किया जाए। इसी तारतम्य में हम लोगों ने क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? उनके द्वारा ये आश्वासन मिला है कि चूँकि ये महाराज छत्रसाल की नगरी है और महाराज छत्रसाल के नाम पर एयरपोर्ट का की घोषणा शीघ्र शीघ्र की जाएगी। इसके संबंध में उन्होंने कहा कि हम सरकार से जल्द से जल्द बात करके इसमें इसका नामकरण महाराज छत्रसाल के नाम पर करवाएं। आप सब भी इस बात पे सहमत हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब चूँकि विधानसभा का अंतिम सत्र हो गया है उसके लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि पहले विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। पहले ये हुआ है कि कुछ जगह पे जब नाम का परिवर्तन किया गया, नाम रखे गए तो उसको लेकर अनेकों आपत्तियां और अड़चनें सामने आई तो केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया कि अब जहां जहां भी एयरपोर्ट के नामकरण का कोई विषय आएगा तो उसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजना पड़ेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार हमारी सरकार बनने पर बनेगी ही और इस आशय का प्रस्ताव बनाकर हम केंद्र को भेजेंगे। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अपने सफल और उज्जवल भविष्य के लिए वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में लें प्रवेश। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध एकमात्र महाविद्यालय। हमारा संकल्प, विद्यार्थी बने काबिल। इस वर्ष बीएड करने का अंतिम अवसर चुने डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्स। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाओं के लिए चुने एएनएम और जीएनएम जैसे कोर्स। इसके अलावा हमारे यहाँ संचालित होते हैं बीए बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीए एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स। साथ में बीए सिंपल और कंप्यूटर, बीकॉम सिंपल एंड कंप्यूटर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी सीएस, बीएससी माइक्रो एंड बायोटेक, एमए इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, एमएससी माइक्रो एंड बायोटेक। इसके अलावा एमकॉम और बीबीए, बीसीए, बीजेसी, बीलिब, पीजीडीसीए, एलएलबी, एएनएम, जीएनएम, डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज। सामान्य वर्ग के छात्रों को बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए और 75% से ऊपर के सभी छात्रों को फीस में 25% की छूट। हमारे सहयोगी संस्थान हैं बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नौगांव, बालाजी पीजी कॉलेज नौगांव और पंडित देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। संपर्क करें वीरांगना अवंतीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश और पंडित बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नवोदय के सामने नौगांव मध्य प्रदेश।